जैसे हम लोग लव स्टोरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे की बात कर रहे हैं, उस वक्त के मॉडर्न तरीके से हम लोगों ने उसको प्रेजेंट किया था। Have you been to Betaab Valley in Pahalgam? No. Because वहाँ गाड़ी भी नहीं जाती थी जहाँ हम लोग ने सेट लगाया, और हम हर दिन पूरी यूनिट अप डाउन किया करती थी। Hi, I'm Sunny Deol. Hi, I'm Karan Deol. Hi, I'm Saher. And you're watching Bollywood Hungama. जो मेरा परसेप्शन आपके बारे में, हम लोग तो बहुत सालों से आपकी फिल्में हम लोग देख रहे हैं, आप सबसे ज्यादा खुश तब नजर आते हैं जब आप वादियों में हैं, जब जब बेताब की बात करें, कोई भी आप जब वादियों में हैं या फिर आप खुली हवा में आप जब सांस ले रहे हैं, वहाँ आदमी क्या फ्री हो जाता है। शहर में आदमी घुटा घुटा सा रहता है, वादियों में जाके आदमी एकदम यू आर बैक टू द मदर नेचर, एंड कोई आपको पूछ नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, and you're just enjoying every moment of it. The silence is so beautiful there. You can hear everything, and patte ki thodi si hawa chalti hai to wo awaaze sunti hain. Nahi to shehar mein to aadmi bas pareshani se hi ucha hota hai. Correct. I mean, kar mere jaisa insaan, otherwise people who love city, they adore the city. I don't think wo log wo kahin wahan chale jayenge, loge kahan aa gaye, kahan jangalon mein aa gaye hain, ye koi zindagi hai. So it's a matter of opinion. Even खाने पीने के मामले में जिस तरीके का आपका, जो जैसे आपको लस्सी पसंद है और आपको बटर पसंद है, वो अपना व्हाइट बटर जो है और रोटी में डाल के, obviously when you're in those locations, जो भी आप खाओगे it gets burnt because you are consuming it and you are moving around, hiking कर रहा है आदमी, यहाँ वहाँ जा रहा है, पूरा दिन कुर्सी पे बैठा नहीं होता, so obviously when you are in the environment वहाँ भूख भी ज्यादा लगती है आदमी को. For me that is heaven. जब मैं पहाड़ों में चला जाता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे को वहाँ से वापस नहीं आना है. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. आपने इतनी फिल्मों में आपने काम किया है, और जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि 4 बजे उठना होता था एंड सर्दी होती थी एंड द एंटायर वर्क्स, अपने को फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कि दैट यू नो दैट आप विदस्टैंड कर पाए इस तरीके के क्लाइमेट को और इस तरीके के ग्रूलिंग शेड्यूल्स को, उसके लिए आपने क्या किया है हमेशा? आई डोंट थिंक उसके लिए कुछ करना, मैंने कभी कोई चीज़ के लिए कभी कुछ किया नहीं है. एक दफ़ा दिमाग में आदमी डाल ले कि मैंने ये करना है, तो फिर तकलीफें भी तकलीफें नहीं लगती, बिकॉज वो ज़रूरी होता है वो चीज़ करने के लिए. तो उन चीज़ों को मैंने कभी उस तरह से कभी आई नेवर टैकल्ड देम. शुरू से मैं देखता रहा हूँ, जब इवन मैंने एडिट माई बेताब घोड़े पर राइडिंग करनी थी, मैंने ये नहीं सोचा था ये करूँगा वो करूँगा, चढ़ गया कर ली. ये नहीं था कि मेरे को ट्रेनिंग लेनी पड़ी कि मैं ये नहीं, एंड देन इट्स अ नेचुरलनेस, पता नहीं मेरे लिए तो उसी तरह से है. मैं कोई भी चीज़ पकड़ लेता हूँ, फिर मैं उसके पीछे लग जाता हूँ, और फिर आई स्टार्ट इन्जॉइंग इट, एंड फिर मैं तकलीफ को फिर मैं तकलीफ नहीं समझता, सोचता हूँ कि कैसे उससे मेरे को आगे जाना, और एंड देन एंजॉय इट. दैट्स द वे आई टैकल माय प्रॉब्लम्स इफ दे आर प्रॉब्लम्स. मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैंने बताया कि मैं आज सनी सर से मिलने वाला हूँ, तो उनकी एक फेवरेट फिल्म थी सोनी महिवाल आपकी. उस फिल्म ने जो दौर देखा है, चाहे वो म्यूजिक का हो, जैसे हम लोग लव स्टोरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे की बात कर रहे हैं, वो एक अलग ही गजब लेवल का रोमांस उसमें था. आज तक वो फिल्म जो है लोग उसको याद करते हैं एंड उसको देख कर एंजॉय करते हैं. एनीवे इट वाज वन ऑफ दिस लेजेंडरी लव स्टोरी, कहानियां लोगों ने सुनी हुई थी, उसी चीज को हम लोगों ने फिर से एक उस वक्त के मॉडर्न तरीके से हम लोगों ने उसको प्रेजेंट किया था एट दैट टाइम. ऑब्वियसली दैट वाज द एज व्हेन थिंग्स वर लाइक दैट. म्यूजिक बहुत अच्छा था, म्यूजिक कमाल था, रिकॉर्डिंग्स वर वेरी नाइस, एंड देयर वाज अ फ्रेशनेस टू इट. हम लोगों ने जाकर रशिया में शूट किया था, सो ऑल दोस थिंग्स एडेड ऑन टुगेदर, बहुत इकट्ठा अच्छा हो गया था उसमें बहुत. आई मीन आई डोंट नो, टिल नाउ वो गाने जब भी बजते हैं तो स्टार्ट गुनगुनाने लग जाता है. बिल्कुल. हमने पिछली बार बात करी थी सनी सर के एक्शन के बारे में, आपने बात करी थी. सनी सर एज अ रोमांटिक हीरो, which is your favorite film and why? I would say Betaab. It was just everything about it was so fresh, from dad to Amrita Singh, and everything about the whole pairing and the whole freshness in the way Rahul Ravel had directed the whole movie at that given point of time. Just the look, his look in that just says it all. And I mean, you don't need to have like really really muscular body, but that look and about you just says that you can go about your business and no one will mess with you. So that was very strong. And then taking a city girl, taking her, forcing her to live like that, and then living a life like that, and then they eventually fall in love with each other. The whole movie for me was just romantically nice, and the freshness, the first time you fall in love with someone, that freshness, yeah, that connect always comes only on the first time. When you fall in love for the first time with someone, you lose all reasoning. Right. At that moment, you don't think why you've done this, why you've done that. And when you look back at it, when you mature, then you think, okay, at that moment of time in my life, I should have not behaved like that. There were so many things ahead that was not only it. So the whole that emotion and everything came across lovely in the movie. Have you been to Betaab Valley
in Pahalgam? No. Everyone talks about it. But I've been to Pahalgam, sir. Main ek se ek hi din ke liye gaya tha. Itfaq se I could not. But everyone talks about Betaab Valley and they're like Sunny Deol ne yahan pe shoot kiya tha. Because again, even in that film, we went and did things which a normal person wouldn't do. Because वहाँ गाड़ी भी नहीं जाती थी जहाँ हम लोगों ने set लगाया और हम हर दिन पूरी unit up down किया करती थी. Wow. Used to walk up and down. That's the way it was. And Palpal has a lot of similarities from that point of view. Jee, if you go to see. Because it's again tackling with the nature and the boy from that terrain. Rather than putting anybody else. Thank you very much, sir, for your time. Always like a huge honor to meet you and listen to your thoughts. And all the best wishes for Valentine's Day. In terms of the movie I'm talking about. And I hope that loads and loads of people all across the world watch it. Thank you so much. Thank you. That's all we have from Bollywood. Keep on watching. Hi, I'm Sunny Deol. Hi, I'm Karan Deol. Hi, I'm Saher. And you're watching Bollywood Hungama.